दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले एक बार पूनम ढिल्लों को राजेश खन्ना ने किस कर लिया था? आखिर इसकी वजह क्या थी? दरअसल बॉलीवुड में आने से पहले ही पूनम ढिल्लों राजेश खन्ना से नफरत करती थी। जब वो शूटिंग देखने आई थी तो राजेश खन्ना उनकी आंखें चूमने लगे। इसी के साथ उन्होंने उनके होठों पर भी किस कर लिया, जिसके कारण डरकर भाग गई थी पूनम ढिल्लों। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्या है ये पूरा किस्सा, आइए आपको बताते हैं। अपने स्टारडम के दौर में राजेश खन्ना लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर थे। लड़कियां उन्हें लव लेटर लिखती थी और उनकी फिल्में बार बार देखती थी। खन्ना के दीवानों में पूनम ढिल्लों भी शामिल थी। कॉलेज के दिनों में पूनम ढिल्लों क्लास बंक करके राजेश खन्ना की फिल्में देखने जाती थी। पूनम ढिल्लों जब पहली बार अपने पसंदीदा स्टार से मिली तो उनका अनुभव काफी बुरा रहा, जिसका असर फिल्मों में आने के बाद भी मौजूद रहा। पूनम ढिल्लों जब केवल 16 साल की थी तब राजेश खन्ना अपनी फिल्म कर्म की शूटिंग के लिए चंडीगढ़ आए हुए थे। पूनम भी अपनी सहेलियों के साथ शूटिंग देखने गई। शूटिंग की भीड़ में राजेश खन्ना की नज़र पूनम ढिल्लों पर पड़ गई और उन्होंने इशारे से उन्हें अपने पास बुलाया। जब पूनम ढिल्लों राजेश खन्ना के पास आई तो उन्होंने पूनम की आंखों की तारीफ करते हुए उन्हें चूम लिया और उनके लिप्स पर भी किस कर दिया। राजेश खन्ना के इस व्यवहार से पूनम ढिल्लों बुरी तरह नर्वस हो गई और जब राजेश खन्ना ने उन्हें रात के डिनर पर इनवाइट किया तो पूनम वहां से भाग खड़ी हुई। पूनम के मुताबिक इस घटना से उनके मन में राजेश खन्ना को लेकर काफी नेगेटिविटी आ गई थी, लेकिन जब सालों बाद उन्हें फिल्म रेड रोज में राजेश खन्ना के साथ काम करने का मौका मिला तो उनका विचार बदल गया। शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना काफी मददगार साबित हुए, जिसके कारण पूनम के मन में राजेश खन्ना को लेकर जो विचार थे वो दूर हो गए और पूनम हमेशा के लिए राजेश खन्ना की फैन बन गई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही मसालेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।